थाना अंतर्गत आने वाले जबलपुर महामार्ग पर अवैध शराब की पेटियों से भरा वाहन जब्त किया गया है, जिसमें लाखों की शराब मिली है, जिसका मालिक के पास कोई लाइसेंस नहीं था, जिससे ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका साथी फरार है। दरअसल कल पहाड़ी पुलिस की टीम रात के समय गश्त करी थी, उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि जबलपुर महामार्ग पर पिकअप वाहनों में लाखों की अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके संज्ञान पर पहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। जहाँ ट्रक ड्राइवर 28 वर्षीय जयदेव मंडल को गिरफ्तार किया गया, जो गढ़चिरौली जिले का निवासी है, तो वहीं उसका साथी मौका पाते ही फरार हो गया। गौरतलब है कि इस पूरे छापेमारी में 7,35,500 रुपए का माल जब्त किया गया है, जिसमें 4,35,500 के देसी संतरा शराब की 101 पेटियां समेत पिकअप ट्रक का समावेश है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है, जिसके विषय में जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरख कुमारी ने। रात के समय पहाड़ी पुलिस स्टेशन के नाइट ऑफिसर और तपास पदक पेट्रोलिंग कर रहे थे। तपास पदक को गुप्त जानकारी मिली कि एक टाटा पिकअप यस गाड़ी से दारू की अवैध तस्करी हो रही है। उसी जानकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नाइट ऑफिसर दीपक इंगले और तपास पदक ने जबलपुर हाईवे पे ट्रैप लगाया। उसी दरमियान कार्रवाई के दरमियान उनको गाड़ी क्रमांक MH 20EL 6405 ये गाड़ी संशयास्पद मिल गई, तो उसको उन्होंने रुकाया। गाड़ी चालक को उसका नाम पूछा तो उन्होंने उसका नाम जयदेव बिजन मंडल, उम्र 28 साल, रहना लगाम शांतिग्राम, जिला गढ़चिरौली, ऐसा बताया। शुरू में उन्होंने सही तरीके से आंसर नहीं दिया, गाड़ी की झड़ती ली तो गाड़ी में रैकेट देसी संतरा दारू के बॉक्सेस थे। उसी बारे में उसको पूछा तो उन्होंने उसका कोई परवाना नहीं है, ऐसा बताया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।